मैं तुझे जान से मार दूंगी। अगर मैंने तुझे छोड़ भी दिया ना तो तू मेरा बहुत लॉस करवा देगी। मत करो, ये सब गलत है। तू हमें सिखाएगी क्या सही है और क्या गलत है? लगता है कान के नीचे तो लगाना पड़ेगा, फिर शायद जाएगी। निकी चल ऐसे लोगों से मुंह लगाना ही बेकार है। जब पता ही था तब आई क्यों थी? चल दीपा, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा वरना वो दोनों पूरे कॉलेज को बदनाम करके रख देगी। पता है निकी, वो लोग बहुत डेंजर है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तू ये सब भूल जा और चल। क्या हुआ है, तू इतना टेंशन में क्यों है? दीपा, कॉलेज में कुछ भी सही नहीं है, बहुत कुछ गलत हो रहा है और मुझे लगता है इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना होगा। लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। अरे ये लोग, और ड्रग्स बेच रहे हैं? ये लोग का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खुद तो बिगड़े हुए है ही और साथ साथ कॉलेज की बाकी लड़कियों को भी बिगड़ रहे हैं। कॉलेज की बहुत सारी लड़की गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सब कुछ पुलिस को बता के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन निकी, तुम्हारा बस एक ही काम है, ये माल को लेके अखिल तक पहुंचा देना। उसने मुझे पहले ही पैसे दे दिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, माल सही से पहुंचना चाहिए। उससे पहले तुम लोग सीधा जाओगी जेल में। मैं इस गैंग को जब से खत्म करवा के रहूंगी। सच में क्या? तुम हमें जेल भेजोगी? तुम्हें खा पी के कोई काम नहीं है बहन। कॉलेज आई हो, पढ़ाई लिखाई करो, क्या हमारे पीछे पड़ी हो? हाँ,
है ना काम, मैं वही तो कर रही हूँ। वो दरअसल कॉलेज में मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम जैसे गंदगी को कॉलेज के बाहर फेंकवाऊंगी और जेल भिजवा के रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम हम तीनों को जेल में भेज दोगी और कॉलेज का सारा गंदगी खत्म हो जाएगा? असली जड़ हम नहीं है, असली जड़ तो कोई और है। क्या असली जड़? हाँ बहन, असली जड़ तो कोई और ही है। गुंजन, असली जड़ को देख के इसका दिमाग ही घूम जाएगा। एक बार पीछे तो देखो। से कोई फायदा नहीं है, मुझे सामने ही आना चाहिए। और इतना मासूम चेहरा अच्छा नहीं लगता है। मैं तुझे ये बताने के लिए आई हूँ, तो ये पुलिस वुलिस के चक्कर छोड़ दे और मेरे साथ शामिल हो जा। मैं तुझे कमीशन दूंगी ना, मैं बहुत पैसा कमाती हूँ। क्या बोलती है दीपा? मैं तुझे अपने अच्छे दोस्त मानती थी, लेकिन तू तो इतनी घटिया लड़की है। तेरे मासूम चेहरे के पीछे इतनी घटिया लड़की छुपी हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और तुझे क्या लगता है मैं तेरे झांसी पे आ जाऊंगी? कभी नहीं। तू ये सबकी जड़ है ना, अब मैं ये लोगों के साथ तुझे भी जेल भेज के रहूंगी। और तुझे क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? ये क्या है दीपा, ये सब गलत है, प्लीज तू ऐसा मत कर। मैं तुझे जान से मार दूंगी, अगर मैंने तुझे छोड़ भी दिया ना तो तू मेरा बहुत लॉस करवा देगी। फाइनली हमारे रास्ते के कांटा अभी एकदम साफ हो गया है। क्यों, तुम दोनों को क्या लगा था तुम दोनों मुझे मार दोगी और मैं मर जाऊंगी? वाह, उस टाइम तो मैं मरी नहीं, लेकिन अब तुम दोनों जरूर मरूंगी। तू हमें मार देगी? इसे पहचानती है कि कौन है? Hi, myself Raghav. मैं इसी कॉलेज का हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? Oh, actually, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा कॉलेज में देखता हूँ, लेकिन कभी डायरेक्ट बात करने का हिम्मत ही नहीं। I love you. Please, please, ले लो ना। Please, बांध जाओ ना, please. ले लेना, please. मैं चलता हूँ। अरे! तेरा प्यार होगा, यही सोचा ना? बट मैं सब कुछ पुलिस को बता के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कि क्या बात है दीपा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? सब कुछ बर्बाद हो गया। हम दोनों के बारे में उस निकी को पता चल गया और वो अभी पुलिस स्टेशन जा रही है। अब क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, हम एक काम कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज, तुम्हें करना ही होगा। ठीक है, चलो। राघव, बाकियों की तरह तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों क्यों मुझसे झूठा प्यार किया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हम लोग पार्टनर्स हैं और बिजनेस में नो कॉम्प्रोमाइज। तू मुझसे प्यार समझी, वो तुम्हारा गलती है। चोचे मारते रहना, चुभती है पर हंसते रहना। धागों में कोई गिरा नहीं, पर बातों में फंसते रहना। तुम लोगों को क्या लगा अभी सच में निक्की मर गई? मैं हूँ असली निक्की और ये मेरी कम शक्ल है जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन कुछ भी सुना नहीं है। अच्छा हुआ मैं अपना रूट चेंज करके इस तरफ आ गई हूँ। बहुत सुनसान जगह है, लग रहा कोई इधर से जाता आता भी नहीं। अच्छा हुआ। और इस बार लगता है बहुत अच्छा हाथ लगा है। मुझे चूड़ी भी नहीं करना पड़ेगा, उस दिन में माला माल। वाह 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 वाह, शाबाश इन्नी शाबाश, क्या कमाल किया। वाह, प्लीज कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। सुनसान जगह में कौन चिल्ला रही है? प्लीज कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। प्लीज कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो हुआ, वो मेरे जैसे दिखती है, लेकिन ये है कौन और इससे हुआ क्या? सुनो, तुम कौन हो और तुम्हें हुआ क्या है? मैं प्लीज तुम मेरी मदद करो। हाँ हाँ, मैं करूँगी तुम्हारी मदद, तुम टेंशन मत लो, मैं लेके चलती हूँ हॉस्पिटल तुम्हें। और मैंने कहा था ना, मैं इस गैंग को जड़ से खत्म करके रहूंगी, और देखो आज मैंने खत्म कर ही दिया है। रूही, आज से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि आज से हम दोनों जुड़वा बहन है।